आपसे समझना चाहते हैं कि हम लोग जो बच्चे थे तो जो ब्लैक एंड वाइट फिल्म चलता था ना पहले yeah. <laughs> उसमें और अभी जो फिल्में आ रही है तो उसमें क्या अंतर आप पाते हैं क्या भलगरीटी नहीं बढ़ी है अभी की फिल्मों में भलगरीटी भलगरीटी हिंदी में <laughs> तो आप आप पुराने फिल्मों को गीतों को और जो प्रदर्शन था जो पहले के जो बनती थी हीरोइन जिनको मानते जैसे हेमा मालिन हुई या और लोग हुआ तो अभी मैं अक्कल में क्या अंतर आ पाती हैं बहुत अंतर है दोनों में लालू जी बहुत अंतर है आई डेफिनेटली अग्री विथ यू कि आजकल जो पिक्चरें आ रही हैं आजकल जो गाने दिखाई देते हैं टीवी पे तो हाँ मुश्किल पड़ मुश्किल हो जाता है अपने बच्चों के साथ बैठ के देखने के लिए बिल्कुल आई अग्री विथ यू टोटली ओवदर लेकिन मुझे ऑल्सो लगता है मुझे ये भी लगता है कि जो पिक्चरें हैं बेसिकली आर दे रिफ़्लेक्ट सोसाइटी जो हमारी पिक्चरें हैं उस वक्त के जमाने उस जमाने में जो लोग सोचते थे जो लोग करते थे वही दिखाई देता था पर्दे पर और आज जो लोग सोचते हैं जो लोग सह सकते हैं वो दिखाई देता है आप खुश हैं जवाब से बिल्कुल जमाना बदल रहा है और आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में आप रोक नहीं सकते आप उसको ज्यादा चेंज भी नहीं कर सकते और आप ज्यादा बोल भी नहीं सकते कि ये गलत है क्योंकि ये सोसाइटी है और आ... <laughs> काजल का जिस तरह की आजकल फिल्में बन रही हैं जिस तरह से हीरोइन डोमिनेटेड रोल्स आ रहे हैं फिर चाहे वो डर्टी पिक्चर हो कहानी हो इसलिए इन फिल्मों की बात करनी पड़ेगी क्योंकि पिछले साल जिस तरह की फिल्में ये आई सामने इन्होंने दिखाया कि इंडस्ट्री वुमेन ओरिएंटेड फिल्म्स को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रही है एक सिंगल हीरोइन के दम पर फिल्म चल सकती है आप ये काम पहले भी कर चुकी हैं आपने दुश्मन फिल्म जैसी फिल्म की थी बहुत बेहतरीन <coughs> फिल्म थी ये दिल लगी आपकी बहुत अच्छी फिल्म थी आपको लग रहा है इंडस्ट्री में एक मेच्योरिटी नजर आ रही है कि सिर्फ मेल डोमिनेटेड नहीं रह गई इंडस्ट्री अब देखिए टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट इट इज़ डेफिनेटली स्टिल अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन नॉट टेक अवे द इकोनॉमिक्स ऑफ द सिचुएशन आर समथिंग दैट यू कैन नॉट टेक अवे फ्रॉम इट लेकिन एक जो होता है कि जैसे मैंने कहा भी पहले इट्स 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 अ ग्रेट टाइम ये वक्त बहुत ही अच्छा है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में क्योंकि इस पर्टूलर वक्त में लोग चाहते हैं के यू नो अलग अलग पिक्चरों पे दे आर विलिंग टू टेक अ चांस दे आर विलिंग टू एक्सपेरिमेंट दे आर विलिंग टू ट्राई न्यू थिंग्स दैट्स व्हाई आई फील ऑल्सो दैट फीमेल डोमिनेटेड फिल्म्स आर बीइंग गिवन अ चांस उनको uh, एक चांस मिल रहा है बनने का पहले think, एक टाइम हो गया था बीच में जहाँ पे लोग देख लोग यू नो देर इन डीविन वॉन्ट ट्राई कोई कोशिश भी नहीं करना चाहता था कि ऐसी पिक्चर बनाने के लिए आई थिंक नाउ इट्स कम बैक टू दट दट दे आर विलिंग टू गिव इट अ ट्राई एटलीस्ट